मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है, ये मेरे हस्बैंड है। इनको अचानक 28 मार्च को फिट पड़ गया था, तब हम बहुत डर गए थे क्या हुआ। फिर हम वहाँ पे मेरठ में हमने न्यूरो फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने कहा इनके ट्यूमर है। तब फिर किसी ने हमें रेफर किया कि यहाँ द्वारिका में अनुराग सक्सेना डॉक्टर है, उनको दिखाओ। फिर हम यहाँ पे आए, उन डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी ऑपरेट करना पड़ेगा। तब हम बहुत डरे हुए थे, फिर लेकिन इनका ऑपरेशन हो गया। आज 15 डेज हो चुके हैं, ये बिल्कुल सही है एकदम से। यहाँ का सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब मतलब मेरे को तो ऐसा लगा जैसे डॉक्टर साहब भगवान है एकदम से, क्योंकि बहुत डरी हुई थी मैं ऑपरेशन के ब्रेन सर्जरी के नाम से। और ये सारा स्टाफ अच्छा है, ये सरबजीत मैम है, ये एकदम कोऑपरेटिव है, जो भी इनसे पूछो एकदम से मतलब कोऑपरेट करती हैं, बता देती हैं। हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा मतलब इलाज हुआ है। मिस्टर संजीव जब हमारे पास में आए थे मेरठ से, तो उनको एपिलेप्सी के दौरे मतलब फिट्स या सीजर्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो आ रहे थे, और एमआरआई में एक ट्यूमर पकड़ में आया था। वो ट्यूमर लेफ्ट साइड में था ब्रेन के, मतलब कि वो हिस्से में था जहाँ से आपका राइट साइड का कंट्रोल आता है, और अगर वो ट्यूमर फैलता तो बोलने चलने की दिक्कत हो सकती थी, जो लैंग्वेज एरियाज अफेक्ट हो सकते थे, और उस ट्यूमर के कारण दिमाग में सूजन भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए इट वॉज वेरी नेसेसरी टू डू अर्जेंट सर्जरी, तुरंत सर्जरी की आवश्यकता थी उनको। और उनका टेस्ट हुए हैं, स्पेशल टेस्ट हुए हैं हमारे एमआरआईज में, हम स्पेशल एमआरआईज कराते हैं जिनको हम डीटीआई या ट्रैक्टोग्राफी कहते हैं, फंक्शनल एमआरआई कराया जाता है जिसमें पता पड़ता है कि वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ट्यूमर है उस ब्रेन उस एरिया का ब्रेन का क्या फंक्शन है। ट्रैक्टोग्राफी से पता पड़ता है जो हमारे फाइबर ट्रैक्स हैं जो हमारे हाथ पैर कंट्रोल करते हैं, जो ब्रेन से हमारा कंट्रोल आता है वो ट्यूमर के कितने पास है। फिर स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसको हम न्यूरो नेविगेशन कहते हैं, मॉनिटरिंग होती है, इन सब टेक्नोलॉजीज के द्वारा सर्जरी की जाती है। तो संजीव जी की सर्जरी करी गई थी, ट्यूमर को निकाला गया, ब्रेन पे से प्रेशर कम किया गया, आगे ट्यूमर की जो बायोप्सी रिपोर्ट आएगी उससे इनका आगे का इलाज होगा, लेकिन सर्जरी के बाद में ही है शोन रिमार्केबल रिकवरी, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स एंड द एक्सपर्टीज विच इज अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल। ही हैज़ डन रियली वेल, ही हैज़ गॉन बैक टू हिज नॉर्मल लाइफस्टाइल, अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जा चुके हैं, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर।